जनता की सेवा के लिए। एक विकसित मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश का ही हो जाता है तब बुलडोजर भी चलेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पहुंचकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 27 जून को आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए जारी तैयारियों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने मंच एवं बैठक व्यवस्था के साथ ही सभी आवश्यक प्रबंधों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद श्री जेपी नड्डा जी के भोपाल आगमन पर राजकीय विमानतल पर उनका आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज निवास पर आयोजित लोकतंत्र सेनानियों की राज्य स्तरीय सम्मेलन में सहभागिता कर लोकतंत्र सेनानियों का स्वागत व सम्मान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान निधि 25,000 से बढ़ाकर 30,000 प्रतिमाह करने, दिवंगत सेनानियों के परिवार की निधि 5,000 से बढ़ाकर 8,000 करने और एक माह से कम अवधि के लिए बंदी रहने वाले लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान निधि 8,000 से 10,000 करने की घोषणा की। सीएम श्री चौहान ने लोकतंत्र सेनानियों को 15 अगस्त को ताम्रपत्र से सम्मानित करने, नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में ठहरने, जिलों के विश्राम गृह में 2 दिन तक 50% शुल्क के साथ रुकने और प्रदेश सरकार की ओर से संपूर्ण निशुल्क इलाज कराने की घोषणा की। लोकतंत्र सेनानियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये सम्मान केवल व्यक्ति का सम्मान नहीं है बल्कि उस विचार का सम्मान है जिसने लोकतंत्र को बचाया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज निवास कार्यालय समत्व भवन में मध्य प्रदेश जल निगम के संचालक मंडल की 22वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह, श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया एवं मंत्री श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह यादव सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अपने प्रतिदिन पौधरोपण के संकल्प के क्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामलाल स्थित स्मार्ट सिटी उद्यान में बरगद, करंज और अमरूद के पौधे रोपे।